हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी वर्मा आज आपके सामने हूँ। बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं हमारे पास फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू कॉल्स आ रही हैं कि न्यूजीलैंड का एजुकेशन सिस्टम जो है वो चेंज हो गया है। तो आज मैंने हमारे पास इनवाइट किया है वेस्टर्न ओवरसीज, जो एक जाना माना नाम है इमिग्रेशन सेक्टर में, उनके MD मिस्टर प्रदीप बाल्यान मेरे साथ है। तो वेलकम सर। थैंक यू। और मैं ये चाहूंगी कि आज हमारे फ्रेंड्स को आप पूरी एजुकेशन सिस्टम के बारे में जानकारी दें। तो सर थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं न्यूजीलैंड के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। देखिए, अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो सबको पता है कि एक आईलैंड है, नॉर्थ आईलैंड साउथ आईलैंड, जिसमें तकरीबन उनकी पॉपुलेशन 35 लाख के आसपास है और एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है वहाँ का। यहाँ जो एजुकेशन है, जो एजुकेशन प्रोवाइडर्स हैं, मैं पहले उसकी बात करूंगा। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसके अलावा पॉलीटेक हैं जिसको हम गवर्नमेंट कॉलेज बोलते हैं, और इसके अलावा प्राइवेट कॉलेज हैं, और स्कूलिंग सिस्टम अलग से है। और जो बच्चा यहाँ पे 12th पास है वो डिप्लोमाज के लिए जा सकता है। डिप्लोमाज यहाँ पे एजुकेशन लेवल में डिवाइड है, एक तरह से आप लेवल 1 से लेकर लेवल 10 तक एजुकेशन है। तो हम इंटरनेशनल एजुकेशन की बात करें तो लेवल 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसमें एजुकेशन डिवाइड है। तो जो बच्चे 12th पास होते हैं वो लेवल 4, 5, 6 तक डिप्लोमाज भी कर सकते हैं, या वो लेवल 7 बैचलर भी कर सकते हैं। जो बच्चे ग्रेजुएट हैं वो ग्रेजुएट डिप्लोमा लेवल 7, या फिर डिप्लोमा लेवल 7, या फिर वो PG डिप्लोमा लेवल 8, या मास्टर्स भी कर सकते हैं। तो मतलब लेवल 4 से लेकर लेवल 10 तक की एजुकेशन यहाँ पे पॉपुलर है। तो ये एक एजुकेशन सिस्टम है। दूसरा, सारी स्ट्रीम्स यहाँ पे अवेलेबल है। जो बच्चा आर्ट वाला है उसके लिए भी ऑप्शंस अवेलेबल है, जो कॉमर्स वाला है या नॉन मेडिकल या मेडिकल, हर एक प्रकार का यहाँ पे हर एक टाइप की एजुकेशन है। यहाँ पे कहीं ना कहीं स्पाउस वीजा भी है। जो बच्चे लेवल 7 को स्किल्ड को लॉन्ग टर्म शॉर्टेज स्किल कोर्स में जा रहा है, या फिर लेवल 8 लॉन्ग टर्म शॉर्टेज स्किल में जा रहा है, या फिर लेवल 9 और 10 में एजुकेशन में जा रहा है, तो यहाँ पे वर्क वीजा, मतलब एक तरह से डिपेंडेंट वीजा भी मिलता है। इवन के स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स के जो मतलब की फैमिली के जो डिपेंडेंट है, बच्चे हैं, तो उनको भी एजुकेशन फ्री मिलता है। बट वी विल डिस्कस लेटर, मैं पूरा डिटेल में बताना चाहूंगा जैसे जैसे आपके क्वेश्चन बढ़ेंगे। तो मैं ये पूरा डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जो नया एजुकेशन रूल गवर्नमेंट ने अप्लाई करना है तो वो कब इम्प्लीमेंट हो रहा है और क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका? देखिए, ये अगस्त में एक तरह से वेबसाइट पे आ चुका है और 26 नवंबर 2018 से इम्प्लीमेंट होने वाला है। तो गुड न्यूज आ रही है स्टूडेंट्स के लिए कि अप टू 3 ईयर का वर्क वीजा है। तो यहाँ स्टूडेंट्स को पहले समझना पड़ेगा पहले क्या था अब क्या है। देखिए, पहले क्या होता था, जो बच्चा लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8, लेवल 9, लेवल 10 कोई भी एजुकेशन करता था, डिप्लोमा से लेकर PhD तक जाता था, पहले क्या होता था कि स्टडी कंप्लीट करने के बाद बच्चे को 1 ईयर का ओपन वर्क वीजा मिलता था। तो उस 365 दिन में जो उसको ओपन वर्क वीजा मिलता था, तो उसमें बच्चे को रिलेवेंट जॉब फाइंड आउट करनी पड़ती थी। अगर वो बच्चे के पास जॉब मिल जाती थी तो उसको 2 ईयर का और वीजा मिल जाता था, जिसको एम्प्लॉयर असिस्ट वीजा बोलते थे। तो ये 26 नवंबर से अब ये खत्म होने वाला है। अब स्टार्ट हो रहा है ओपन वर्क वीजा, 3 ईयर का ओपन वर्क वीजा। मीन जो बच्चे, अब ध्यान से सुनिए दोस्तों कि किस टाइप से ये इंप्लीमेंट होगा, किस तरीके से चलेगा। जो बच्चे डिग्री प्रोग्राम में जा रहे हैं, डिग्री प्रोग्राम में लेवल 7 ऑनवर्ड्स, जो बच्चे डिग्री प्रोग्राम, मतलब आप 12 पास हैं, आप बैचलर्स करना चाहते हैं लेवल 7, या PG डिप्लोमा करना चाहते हैं, या आप मास्टर्स करना चाहते हैं, या PhD लेवल 10 करना चाहते हैं, तो आपको अब 3 ईयर का वर्क वीजा मिलेगा, चाहे आप ऑकलैंड के अंदर जा रहे हैं या आउटर ऑकलैंड में जा रहे हैं। दूसरा, जो बच्चे ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रहे हैं, ग्रेजुएट डिप्लोमा, जो बच्चे बैचलर होंगे वो ग्रेजुएट डिप्लोमा करेंगे, अगर ऑकलैंड के अंदर जाएंगे तो उनको 1 ईयर का, और आउटर ऑकलैंड जाएंगे तो उनको 2 ईयर का। लेकिन हाँ, अगर ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए आप ऑकलैंड के अंदर भी जा रहे हैं और आपका कोर्स ऐसा है जिसमें आपको प्रोफेशनल, मतलब एक तरह से ट्रेड में रजिस्ट्रेशन चाहिए, लाइक नर्सिंग टाइप के कोर्सेज में, आर्किटेक्ट टाइप के कोर्सेज में, ऐसा ये अभी इमिग्रेशन की वेबसाइट्स पे आने वाले हैं कि कौन कौन से वो कोर्स हैं। तो अगर आप उनमें जाते हैं, ऑकलैंड के अंदर जा रहे हैं और आपका ग्रेजुएट डिप्लोमा लेवल 7 है, तो आपको 1 ईयर एक्स्ट्रा एडिशनल ईयर मिल सकता है। मतलब ऑकलैंड के अंदर आप जा रहे हैं ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए तो 1 ईयर का है, आउटर ऑकलैंड जा रहे हैं तो 2 ईयर का है। लेकिन ऑकलैंड के अंदर अगर आपका कोर्स ऐसा है कि कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको वर्क करना पड़ रहा है प्रोफेशनल बॉडीज में या ट्रेड बॉडीज में अपने आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, तो आपको 1 ईयर एक्स्ट्रा मिल सकता है। अब बात करते हैं जो बच्चे लेवल 4 to 6 हैं, यहाँ दो जगह डिवाइड हैं बच्चे। जो लेवल 4 to 6 कोई भी एक क्वालिफिकेशन करते हैं, जैसे बच्चे ने लेवल 5 2 ईयर का प्रोग्राम किया है, लेवल 6 2 ईयर का प्रोग्राम किया, तो उनको ऑकलैंड के अंदर जाएंगे तो 1 ईयर का, आउटर ऑकलैंड जाएंगे तो 2 ईयर का। दूसरी है कि बच्चा प्रोग्रेसिव एजुकेशन कर रहा है, जैसे लेवल 5 to 6
लेवल 5 वन ईयर है, नेक्स्ट ईयर लेवल 6 है, तो इस टाइप की एजुकेशन कर रहा है, 2 ईयर का प्रोग्राम है, तो पर ईयर आपको 30 वीक पढ़ना पड़ेगा कम से कम, फर्स्ट ईयर भी 30 वीक, नेक्स्ट ईयर भी 30 वीक, तो उसमें भी ऑकलैंड के अंदर है तो 1 ईयर का है, आउटर ऑकलैंड है तो आपको 2 ईयर का मिलेगा। तो सिंपल मैं अगेन मैं बताना चाहूंगा, अगर आप 12th पास हैं तो 3 ईयर का वर्क वीजा आपको जब मिलेगा, जब आप डिग्री के लिए जाएंगे। अगर आप ग्रेजुएट हैं और आप पीजी डिप्लोमा लेवल 8 कर रहे हैं या लेवल 9 कर रहे हैं, तब भी आपको 3 ईयर का मिलेगा, चाहे आप ऑकलैंड के हैं के अंदर हैं या आउट ऑकलैंड है। अब जो बच्चे ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रहे हैं, तो उनको ऑकलैंड के अंदर 1 ईयर, आउटर ऑकलैंड जा रहे हैं तो 2 ईयर का। हाँ, ऑकलैंड के अंदर आप जा रहे हैं लेकिन कोर्स आपका ऐसा है ग्रेजुएट डिप्लोमा में कि आपको जो वर्क वीजा मिला हुआ है उसमें आपको प्रोफेशनल बॉडीज में या ट्रेड बॉडीज में अपने आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ रहा है, तो 1 ईयर का एक्स्ट्रा आपको मिल सकता है, अदरवाइज आउटर ऑकलैंड में आपको 2 ईयर का है ही है। जो बच्चे ग्रेजुएट है सिर्फ डिप्लोमा जा रहे हैं, यहाँ पे ग्रेजुएट डिप्लोमा और डिप्लोमा में फर्क है, तो अगर सिर्फ डिप्लोमा है आपके कोर्स के सामने सिर्फ डिप्लोमा लिखा हुआ और लेवल 7 है, ऑकलैंड के अंदर 1 ईयर है, आउटर ऑकलैंड 2 ईयर है। दूसरा, जो बच्चे 12 पास है, आपकी एजुकेशन प्रोग्रेसिव एजुकेशन है लेवल 5 to 6, तो आपको ऑकलैंड के अंदर 1 ईयर, आउटर ऑकलैंड 2 ईयर, और आपकी एजुकेशन 2 ईयर की है और एक ही एजुकेशन है, चाहे वो लेवल 4 है, लेवल 5 है, लेवल 6 है, कोई भी एजुकेशन है, तो ऑकलैंड के अंदर 1 ईयर है, आउटर ऑकलैंड 2 ईयर है। होप सो आपको ये बात चीज समझ में आएगी, अदरवाइज हम कंटिन्यूसली और भी बातें करेंगे जिसमें ये चीजें और भी निकल के आएंगी और आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली चल कैसे रहा। तो सर मैं ये जानना चाहूंगी, हमारे दोस्त भी ये जानना चाहते होंगे कि ये ओपन वर्क वीजा क्या है, मतलब क्या आप इसको इसके बारे में थोड़ा हमें डिटेल में बताएंगे? गुड क्वेश्चन मैम। देखिए होता क्या था कि पहले क्या था कि आपको 1 ईयर का, जैसे आपने स्टडी कंप्लीट की, कोई भी एजुकेशन थी लेवल 5 से लेकर लेवल 10 तक, कोई भी एजुकेशन थी, बच्चा 12th पास था या ग्रेजुएट था, तो आपने जो भी एजुकेशन की, तो आपको पहले क्या होता था कि 1 ईयर का ओपन वर्क वीजा मिलता था। ओपन वर्क वीजा क्या होता है कि उसमें आप किसी भी फील्ड में जाके काम कर सकते हो। आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड जरूरी नहीं है, आप एम्प्लॉयर कोई भी किसी भी फील्ड का ले सकते थे। तो लेकिन उसके बाद क्या होता था कि 1 ईयर के बाद आपको 2 ईयर का एम्प्लॉयर असिस्ट वीजा तब मिलता था, पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जब आपके पास रिलेवेंट जॉब होती थी, तब आपको सेम फील्ड में जो आपने पढ़ाई की उस फील्ड में पढ़ना पड़ता था। अब वो चीज खत्म हुई तो ओपन वर्क वीजा है, तो ओपन वर्क वीजा मींस लाइक जैसे 1 ईयर का पहले ओपन वर्क वीजा था, अब 3 ईयर का हो गया है, मींस स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपको जो भी वर्क ओपन वर्क वीजा मिला है उसमें आपको मतलब अपनी रिलेवेंट फील्ड में जॉब करने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी फील्ड में जाके कोई भी काम कर सकते हैं, मतलब ओपन वर्क वीजा, यू कैन डू एनी वर्क विद एनी एम्प्लॉयर। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है, मैं ये मान सकती हूँ बच्चों के लिए। पहले क्या होता था कि स्टूडेंट्स बहुत वापस आते थे। देखिए मैं जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी मैं रूल्स बता रहा हूँ, वो इमिग्रेशन की साइट से बता रहा हूँ, दैट इज www.immigration.gov.nz, जिसे ये मैं पढ़ के आपको सारी चीजें बता रहा हूँ, ये मेरी कोई भी चीज नहीं है, सारी की सारी एम्बेसी की साइट्स पे, इमिग्रेशन की साइट्स पे है। पहले क्या होता था मैम कि जो बच्चा मतलब 1 ईयर का ओपन जॉब सर्च वीजा मिलता था, तो उसमें तो चलो उनको जॉब नहीं मिल पाती थी, 365 दिन इतने ज्यादा नहीं होते कि बच्चों को नहीं मिल पाता था रिलेवेंट जॉब। पहले रूल ये था कि 1 ईयर का ओपन था तो ओपन में आपको रिलेवेंट जॉब फाइंड आउट करनी है, अगर आपके पास रिलेवेंट जॉब होती है तभी आपको एम्प्लॉयर असिस्ट वीजा मिलता था, अदरवाइज नहीं मिलता था। लाइक मैं अगर छोटा सा एग्जांपल दूं, एक बच्चे ने हॉस्पिटल मैनेजमेंट किया या होटल मैनेजमेंट किया है, तो उसको होटल इंडस्ट्री में सेम फील्ड का रिलेवेंट जॉब करनी होगी जो उसके पास एजुकेशन है, तो उसको जॉब ही नहीं मिलती थी, 1 ईयर वो ढूंढता रहता था, तो उसके बाद जब जॉब नहीं मिलती तो उसको इसका मतलब उसका वीजा एक्सटेंड नहीं होगा, चाहे तो वो आगे फर्दर स्टडी करे या वो इंडिया वापस आए। तो इस तरह से बहुत से बच्चे वापस आ जाते थे, तो इस कारण से उन्होंने अब ये कुछ पॉलिसीज में चेंज लेके आए हैं, अब ओपन वर्क वीजा 1 ईयर का नहीं 3 ईयर का हो गया है, तो एम्प्लॉयर असिस्ट वीजा वो टोटली खत्म हो गया है। तो जो 1 ईयर का ओपन जॉब सर्च वीजा था पहले और 2 ईयर का एम्प्लॉयर असिस्ट, वो सारा का सारा अब 3 ईयर का एक तरह से ओपन वर्क वीजा हो चुका है, लेकिन किसके लिए, जो बच्चे डिग्री लेवल 7 ऑनवर्ड्स कोर्स करेंगे उसके लिए 3 ईयर का है, और उससे नीचे जाएंगे तो उनको ऑकलैंड के अंदर 1 ईयर है, आउटर ऑकलैंड 2 ईयर का है। तो ये मतलब अभी जो ये चेंजेस आ रहे हैं, तो दैट मींस गवर्नमेंट थोड़ा सा फोकस कर रही है डिग्री प्रोग्राम्स के ऊपर, हायर एजुकेशन प्रोग्राम्स के ऊपर, तो इसके क्या रीजन है? डेफिनेटली इसके पीछे रीजन क्या है कि देखो ये एक इमिग्रेंट कंट्री है, मतलब इनको दे नीड द स्किल्ड पर्सन। ठीक है, जो मतलब उनकी कंट्रीज की इकोनॉमी में, उस देश की प्रगति में, उस देश की प्रोग्रेस में कुछ ना कुछ योगदान देश के। लेकिन होता क्या था कि वहां पे मोस्टली बच्चे क्या करते थे, डिग्री कम करते थे, वो करते थे तो 1 ईयर का प्रोग्राम या 1.5 ईयर का प्रोग्राम, तो उनको क्या लगता था कि जब माइग्रेट बच्चा हो रहा है तो उनको स्किल्ड पर्सन नहीं मिल पा रहे थे, फर्स्ट रीजन ये है। तो उसके लिए उन्होंने ये चीज की है कि भाई ऐसे बच्चे आए जो स्किल्ड हो और उस कंट्री के लिए योगदान दे, दैट्स द रीजन फर्स्ट।
सेकंडली क्या होता था, हर एक बच्चा ऑकलैंड जाता था, हर एक बच्चा ऑकलैंड, जिसको देखे ऑकलैंड, ठीक है, तो वो देख रहे कि ऑकलैंड में इतनी भीड़ होगी, आउटर जो एरिया है, रीजनल एरिया है, वो एज इट इज अभी पड़े हुए हैं, तो इसलिए उन्होंने ये वर्क वीजा में चेंजिंग किया है कि अगर आप बिलो डिग्री किसी भी कोर्स में आ रहे हैं, आउटर ऑकलैंड में आएंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, आपको ज्यादा वर्क वीजा मिलेगा। जैसे बिलो डिग्री आ रहे हैं ऑकलैंड के अंदर 1 ईयर है, आउटर ऑकलैंड में 2 ईयर का, तो दे वांट टू, दे नीड द स्किल्ड पर्सन, दे नीड द पर्सन जो रीजनल एरिया को भी डेवलप करे, दैट्स द रीजन कि वो इस टाइप के चेंजिंग लेके आए हैं। तो बहुत अच्छा डिसीजन लिया है न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने उनकी इकोनॉमी को अच्छा करने के लिए। तो सर, जो करेंटली बच्चे अभी पढ़ रहे हैं तो उनके लिए क्या चेंजेस होंगे इस सिस्टम से? देखिए, डिपेंड करता है, ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए बड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपको समझना होगा बड़े आराम से कि अगर आपने 8 अगस्त के बाद फाइल लगाई है, पहली बात मैं बात करूँ 8 अगस्त के बाद, क्योंकि 8 अगस्त को इमिग्रेशन की साइट पे ये चीजें आ चुकी हैं, लेकिन इंप्लीमेंट होंगी 26 तारीख से, 26 नवंबर से, ठीक है जी। तो अभी अगर 8 अगस्त को या 8 अगस्त के बाद आपको कोई भी वीजा मिला है तो आपको अप टू 3 ईयर का वर्क वीजा रहेगा, 3 साल का वर्क वीजा मिलेगा। लेकिन हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो अभी स्टूडेंट वीजा पे है, स्टूडेंट वीजा पे है। अब जो बच्चे स्टूडेंट वीजा पे हैं, अगर उनका 26 नवंबर से पहले स्टडी कंप्लीट हो रही है, 26 नवंबर से पहले, तो उनको क्या करना होगा कि उनको पहले ओपन वर्क वीजा अप्लाई करना पड़ेगा। ओपन वर्क वीजा उसको मिलेगा और देन 26 नवंबर के बाद अगर वो वीजा खत्म होता है तो ऑटोमेटिकली उसको एम्प्लॉयर असिस्ट की जरूरत नहीं है, ओपन वर्क वीजा उसका हो जाएगा। मींस अगेन सिंपली मैं ये कहना चाहूंगा, 26 नवंबर से पहले अगर आपके पास कोई भी वर्क वीजा है, आज की डेट में सपोज करो आपके पास ओपन वर्क वीजा है, तो 26 नवंबर के बाद आपको मतलब दोबारा 2 ईयर का ओपन वर्क वीजा मिल जाएगा, 3 ईयर का हो जाएगा। हाँ, जो बच्चे अभी एम्प्लॉयर असिस्ट वीजा पे हैं, एम्प्लॉयर असिस्ट वीजा पे अभी हैं और आपका वीजा वैलिड रहेगा 26 नवंबर के बाद भी, तो डिपेंड अपॉन यू के आप सेम एम्प्लॉयर असिस्ट वीजा रखना चाहते हैं या फिर इसको चेंज करना चाहते हैं, इसको आप ओपन वर्क वीजा में भी चेंज कर सकते हैं, इसको ट्रांजिशनल पॉलिसी बोलेंगे जिसके तहत आप यू कैन चेंज द वीजा। तो सर, जो बच्चे 26 नवंबर से पहले अपनी स्टडी कंप्लीट कर चुके हैं तो उनके लिए ये ट्रांजिशन पॉलिसी क्या होगी? जी मीनाक्षी, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे बहुत से स्टूडेंट होंगे जो इस वीडियोस को देख रहे हैं जिसकी 26 नवंबर से पहले, वैसे मैंने पहले भी कोशिश की थी बताने की, फिर मैं बता रहा हूँ, 26 नवंबर से पहले जिस बच्चे का मतलब स्टूडेंट वीजा खत्म हो रहा है, चाहे तो वो एम्प्लॉयर असिस्ट वीजा पे हो रहे होंगे या फिर वो क्या नाम है ओपन वर्क वीजा पे होंगे, जो ओपन वर्क वीजा पे जो बच्चा होगा तो उसको मतलब अभी तो ओपन वर्क वीजा उसके पास है तो उसको ओपन वर्क वीजा अप्लाई करना पड़ेगा या उसके पास है, दोनों बातें हैं, अभी स्टडी कंप्लीट हुई है तो इससे तो उसको अप्लाई 26 नवंबर से पहले तो एक तो उसको ओपन वर्क वीजा अप्लाई करना पड़ेगा, उसको 1 ईयर का मिलेगा, ठीक है, या उसके पास ऑलरेडी होगा। तो आप पहली बात तो 26 नवंबर से पहले आपको ओपन वर्क वीजा अप्लाई करना पड़ेगा जो कि आपको 1 ईयर का होगा, ठीक है। दूसरी बात, इसके बाद 26 नवंबर के बाद ये आपको ट्रांजिशनल पॉलिसी में आपको 2 ईयर का अगेन ओपन वर्क वीजा मिल जाएगा, आपको एम्प्लॉयर असिस्ट वीजा की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आपके पास ऑलरेडी था तो अगेन उसके लिए भी सेम है कि आपके पास ओपन वर्क वीजा है तो 26 नवंबर तक सेम चलता रहेगा। 26 नवंबर से पहले अगर आपका क्या नाम है फिनिश हो रहा है, सपोज करो 26 नवंबर से पहले फिनिश हो रहा है तो आपको एम्प्लॉयर असिस्ट के लिए जाना पड़ेगा, या 26 नवंबर के बाद खत्म हो रहा है तो अगेन आपको आप डिपेंड करता है कि आपके पास क्या नाम है 26 नवंबर के बाद खत्म हो रहा है तो आपको ओपन वर्क वीजा मिलेगा ही मिलेगा, मतलब 2 ईयर का और वीजा मिल जाएगा। तो सिंपली अगेन मैं बोलना चाह रहा हूँ कि 26 नवंबर से पहले आपके दो ही वीजे हो सकते हैं, 3 चीज सिचुएशन हो सकती है 26 नवंबर से पहले। पहले सिचुएशन होगी कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं तो आपको स्टडी के बाद 3 ईयर का ओपन वर्क वीजा मिलना ही मिलना है। दूसरा ये दैट इज ट्रांजिशनल पॉलिसी। दूसरा ये है कि आपका स्टडी खत्म होगी आपको 26 नवंबर से पहले, तो 26 नवंबर से पहले तो आपको अगेन ओपन जॉब सर्च वीजा 1 ईयर का अप्लाई करना पड़ेगा। ओपन जॉब सर्च वीजा 1 ईयर का अप्लाई हो गया तो उसमें क्या है कि 26 नवंबर के बाद आपका ये वीजा 2 साल का जो और जो है वो एम्प्लॉयर असिस्ट वीजा की जरूरत नहीं है, ओपन वर्क वीजा मिल जाएगा। तीसरी कंडीशन है जो कि आपके पास ऑलरेडी एम्प्लॉयर असिस्ट वीजा है, ठीक है, तो एम्प्लॉयर असिस्ट वीजा है तो इसको आप सेम कंटिन्यूसली रख सकते हैं या ट्रांजिशनल पॉलिसी में इसको वेरिएशन ऑफ कंडीशंस में आप इसको ओपन वर्क वीजा में चेंज करवा सकते हैं। तो दोस्तों एक बार ध्यान से सर की बात को सुनिए कि उन्होंने ये कहा है कि जो भी बच्चा ऐसा है जिसके पास
असिस्टेंट कंपनी ऑर्गेनाइजेशन असिस्टेंट वीजा अवेलेबल है, एम्प्लॉयर वीजा अवेलेबल है, वो बच्चा उसको ट्रांसफर करवा सकता है या वेरिएशन ऑफ कंडीशन, वेरिएशन ऑफ कंडीशन के साथ हाँ जी अपना वीजा चेंज करा सकता है, और उसको उसके बाद वीजा चेंज होने के बाद उसको इमिग्रेशन को बताने की जरूरत नहीं है कि जी अब मेरा नया एम्प्लॉयर कौन है या कौन नहीं है, क्योंकि ओपन वर्क वीजा हो जाएगा। डिपेंड अपॉन यू, आपके पास एम्प्लॉयर असिस्ट वीजा है, अगेन बोलना चाहूंगा आप इसको कंटिन्यू लेके जा सकते हैं एज पर द इमिग्रेशन वेबसाइट, या फिर वेरिएशन ऑफ कंडीशन में आप इसको ओपन वर्क वीजा में चेंज करा सकते हैं। ओपन वर्क वीजा में जब चेंज हो जाएगा तो आपको बार बार फिर इमिग्रेशन को, इमिग्रेशन हाई कमीशन को बताने की जरूरत नहीं है कि आपका नया एम्प्लॉयर कौन है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। अब सर मैं थोड़ा सा और जानना चाहती हूँ, जो स्पाउस वीजा है उसके बारे में कुछ थोड़ा डिटेल में जानना चाहते हैं कि चेंज से उस वीजा में, उस स्पाउस वीजा वाले लोगों को क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए एज पर द इमिग्रेशन पॉलिसी जो इमिग्रेशन की वेबसाइट पे है उसके हिसाब से आप ओपन मतलब इसके लिए मतलब स्पाउस वीजा के लिए कौन कौन एलिजिबल है। हाँ जी, जो बच्चा अपना लेवल 7 कोर्स में जा रहा है और वो कोर्स लॉन्ग टर्म शॉर्टेज स्किल में है, तो लेवल 7 में सबको पता है कि भाई उसको क्या नाम है, लेवल 7 ग्रेजुएट डिप्लोमा की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट को 1 ईयर इनर ऑकलैंड है तो आउटर ऑकलैंड 2 ईयर है। Yes. तो ऐसे ही उसके जो लॉन्ग टर्म शॉर्टेज स्किल में है तो उसका जो क्या नाम है, उसके जो डिपेंडेंट है, उसकी वाइफ या हस्बैंड जो भी है, उसको उतना ही वीजा मिलेगा इनर ऑकलैंड के लिए 1 ईयर का, आउटर ऑकलैंड के लिए 2 ईयर का, और बच्चा फ्री पढ़ सकता है डोमेस्टिक okay. फीस में स्टूडेंट okay. जो उसके बच्चा जो साथ जा रहा है। ओके, दूसरा लेवल 8 में भी सेम है, पहले क्या था लेवल 8 में डिपेंडेंट को वीजा मिलता था okay. अब लेवल 8 में किसको मिलेगा, जो स्टूडेंट लॉन्ग टर्म शॉर्टेज स्किल में जाएगा उसके डिपेंडेंट को 3 ईयर का ओपन वर्क वीजा मिलेगा स्टूडेंट की तरह, लेकिन लॉन्ग टर्म शॉर्टेज स्किल में होना चाहिए okay. और बच्चे को फ्री एजुकेशन मिलेगी। लेवल 9 और 10 में आप जा रहे हैं, आप किसी भी कोर्स में जा रहे हैं, आइदर लॉन्ग टर्म शॉर्टेज स्किल आइदर नॉन लॉन्ग टर्म शॉर्टेज स्किल, उसमें स्टूडेंट को 3 ईयर का है तो उसके डिपेंडेंट को भी 3 ईयर का है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। तो सर मैं थोड़ा सा और जानना चाहूंगी कि मतलब जो बच्चे अभी करेंटली फ्यूचर में जाना चाहते हैं न्यूजीलैंड, तो उनके लिए क्या बेनिफिट होंगे इस चेंजेस से, मतलब उनको क्या अच्छा एक उनके लिए एक चांस है, बिकॉज जो मैं अभी तक जो एक सिनेरियो देख रही हूँ कि न्यूजीलैंड जाने वाले बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है दिन पर दिन, तो ये जो एक चेंजेस आए हैं तो इससे नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है वो इंक्रीज होगा या मतलब वो कैसे अफेक्ट करने वाला है। डेफिनेटली देखिए इससे स्टूडेंट्स इंक्रीज हो, अभी से मतलब जैसे ही इमिग्रेशन ने ये चीज अनाउंस की है तब से ही मतलब स्टूडेंट्स की काउंटिंग बढ़ चुकी है, स्टूडेंट्स की इंक्वायरीज बढ़ चुकी है, इवन की फाइलिंग भी बढ़ चुकी है। तो अब जो बच्चे जा रहे हैं डेफिनेटली उनको अप टू 3 ईयर का वर्क वीजा है, मतलब यहाँ पे ओपन वर्क वीजा एम्प्लॉयर असिस्ट वीजा खत्म हो चुका है, मतलब यहाँ पे जो अब वर्क वीजा रहेगा ओपन वर्क वीजा 1 ईयर 2 ईयर और 3 ईयर का। तो जैसे पहले हमने डिस्कस किया है जो बच्चा डिग्री प्रोग्राम में जा रहे हैं तो उसको डिग्री प्रोग्राम बैचलर या पीजी डिप्लोमा या मास्टर्स या पीएचडी उसको 3 ईयर का मिलेगा। इसके अलावा जो बच्चे ग्रेजुएट हैं ग्रेजुएट डिप्लोमा में जा रहे हैं उसको 1 ईयर इनर ऑकलैंड आउटर ऑकलैंड 2 ईयर का। जो बच्चे डिप्लोमा लेवल 7 में जा रहे हैं ऑकलैंड के अंदर 1 ईयर आउटर ऑकलैंड 2 ईयर। जो बच्चे लेवल 4 से 6 में जा रहे हैं अगेन ऑकलैंड के अंदर जा रहे हैं तो 1 ईयर का है आउटर ऑकलैंड के अंदर 2 ईयर का। तो कहीं ना कहीं एम्बेसी चाहती है, कंट्री चाहता है, वहाँ की इमिग्रेशन चाहती है कि स्टूडेंट आए और अप टू 3 ईयर स्किल्ड बच्चा है, स्किल्ड बच्चा, क्योंकि okay. आपने देखा होगा हमने डिस्कशन में बताया yes. कि लॉन्ग टर्म शॉर्टेज स्किल की कितनी वैल्यू है yes. तो दे नीड द स्किल्ड पर्सन, और वो कहीं ना कहीं रीजनल एरिया को भी सपोर्ट करना चाहते हैं, रीजनल एरिया में इन्वेस्टमेंट करवाना चाहते हैं, रीजनल एरिया में बच्चों को लाना चाहते हैं ताकि वहाँ पे ग्रोथ हो, स्किल्ड स्टूडेंट पहुंचे और कंट्री को योगदान दे, कंट्रीब्यूट करें उसकी प्रोग्रेस में। ठीक है तो सर ये मैं ये जानना चाहती हूँ कि कुछ हमारे फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो इसके बारे में और डिटेल में जानकारी चाहते हैं, तो क्या आप थोड़ा उनको गाइड कर सकते हैं कुछ वेबसाइट्स के बारे में जहाँ से ये इन्फॉर्मेशन। पहली बात तो वेस्टर्न ओवरसीज के 7 ऑफिस है वो कहीं भी आ सकते हैं, जिसमें सोनीपत आपका करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, चंडीगढ़, अमृतसर, जलंधर, आपको परफेक्ट काउंसलर मिलेगी जो न्यूजीलैंड की काउंसलिंग देगी। इसके अलावा आप घर बैठे भी ऑनलाइन अपना वेबसाइट्स पे जा सकते हैं इमिग्रेशन की, दैट इज www.immigration.gov.nz। मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन बताई हैं वो इमिग्रेशन की साइट से आपको बताई हैं, क्योंकि इमिग्रेशन जो बोलता है वही हम बता सकते हैं, तो मेरी इसमें कोई भी अपना वर्ड नहीं है, जो भी पॉलिसीज हैं जो भी मतलब इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर पाया हूँ वो इमिग्रेशन की वेबसाइट से प्रोवाइड कर पाया हूँ। और फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी लाइक कर सकते हैं,
दैट इज वेस्टर्न ओवरसीज के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज है वेस्टर्न ओवरसीज 172 के नाम से, आप उसको भी लाइक कर सकते हैं, अदरवाइज आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे लाइक कर सकते हैं या मेरे को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगेन दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि ये जो न्यूजीलैंड की इन्फॉर्मेशन है, ये हमने जो वीडियो निकाली है स्पेशल स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे निकाली, क्योंकि आज की डेट में स्टूडेंट की तादाद डे बाई डे बढ़ रही थी जो जानना चाह रहे थे न्यूजीलैंड के बारे में, दैट्स द रीज़न हमने ये वीडियो निकालने की कोशिश की है। सेकंडली अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स को ये जरूर शेयर करिए, आगे फॉरवर्ड करिए, ताकि उनको भी नॉलेज मिल सके न्यूजीलैंड के बारे में। तो मैं थैंक यू करना चाहूँगी सब दोस्तों की तरफ से सर आपका कि आपने स्पेशल आज हमें समय दिया न्यूजीलैंड के बारे में बताने के लिए, एंड आई होप कि बहुत सारी जो क्वेरीज आपके माइंड में होंगी वो आज सर ने आपको उसके आंसर दिए हैं। और रही बात अगर फिर भी आपके मन में कुछ डाउट्स हैं तो जैसा सर ने कहा वेस्टर्न ओवरसीज की कोई भी नियर बाय ब्रांच में जाके विजिट कर सकते हैं, हमारे एक्सपीरियंस्ड काउंसलर से पूरी तरह से काउंसलिंग लेकर अपनी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।